गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और सुबह के जो काम होते हैं वो शुरू हो चुके हैं भाई, नाश्ता वगैरह, झाड़ू वगैरह, वो सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मशीन लगा रखी है, मशीन वैसे सुबह से ही लगा रखी है मैंने, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है क्योंकि घर का काम होता है, झाड़ू पोछा, और फिर साथ में दुकान का काम हो ना तो लेट हो ही जाता है। तो बीच बीच में मुझे दुकान में भी जाना पड़ता है। वैसे दो बार जा चुकी हूँ मैं दुकान में, और साथ के साथ ही मशीन चल रही है जैसे, तो फिर कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ ही झाड़ू पोछा भी हो चुका है। तो एक बार के कपड़े निकल चुके हैं मेरे, तो उसे डाल देती हूँ ड्रायर में ताकि सूख जाएं, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम होता है, फिर इतनी जल्दी सूखते भी नहीं है क्योंकि बारिश का पता ही नहीं चलता कब आ जाए। तो यहाँ पे कपड़े ड्रायर हो चुके हैं और इसे निकाल लेते हैं। और दूसरी बार के जो कपड़े हैं वो भी मेरे धुल ही चुके हैं, तो बस उन्हें पानी में से निकाल कर उन्हें भी ड्रायर करना है। और बीच में मैं फिर से दुकान में गई थी क्योंकि चूड़ियाँ डलवानी थी किसी ने, तो चूड़ियाँ वगैरह डालने के बाद, थ्रेडिंग करने के बाद अभी आई हूँ। और दूसरी बार के कपड़े भी मेरे धुल चुके थे तो इन्हें भी ड्रायर कर लेते हैं। आजकल मौसम का पता नहीं चलता, बरसात का मौसम होता है जैसे, वैसे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि सारे कपड़े ना ड्रायर कर लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे दुपट्टे वगैरह और जो मेरे जो वाइट कपड़े होते हैं जैसे कुर्ता पजामा होता है, तो वो यहीं पे लगा दिए हैं मैंने, जो हल्के वाले कपड़े होते हैं। बाकी जो भी कपड़े हैं उन्हें बाल्टी में डालकर ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है मैं पूरे कपड़े बाल्टी में ही डाल लूँगी और फिर ऊपर ही लगा दूँगी। जो मोटे कपड़े हैं पैंटे वगैरह जैसे हैं वो बाहर लगा दूँगी, और जो छोटे मोटे पतले कपड़े हैं वो अंदर ही लगा दूँगी क्योंकि बस बारिश का पता नहीं चलता कब आ जाए। और ये देखिए मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने ही वाली हो, तो फिलहाल मोटे मोटे कपड़े यहीं बाहर पे ही लगा देती हूँ और कुछ अंदर लगाने हैं अभी मुझे, तो यहाँ पे कपड़े लगा लेते हैं पहले। जय माता दी, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, यहाँ पे अभी आकर बैठी हूँ। छोटे वाला बेटा भी ट्यूशन से आया है, तो पहले उसे चाय बनाने के लिए बोला है, वही बनाएगा चाय। सुबह से ही मशीन लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए, और इस टाइम 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे फ्री हुई हूँ। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन दुकान के कारण ना मुझे बीच में काम छोड़ छोड़ कर जाना पड़ता है, तो इसलिए लेट हो जाता है। क्योंकि दुकान में जाओ, फिर कपड़े धुलो, फिर दुकान में जाओ, बीच में ही काम रहता है मेरा। तो फिलहाल अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो दोपहर का खाना भी बनाना है, अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो पहले चाय पी लेते हैं। बेटा चाय लेकर आया है, कौन सी लूँ? प्योर। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। अनु चाय इधर भी नहीं, इधर आ। ये शाम के टाइम का वीडियो है क्योंकि दोपहर में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसके लिए प्याज लहसुन वगैरह काट रही हूँ। और कपड़े भी मेरे यहीं पे ही पड़े हैं जो सूख चुके हैं, बच्चों से मंगवा लिए थे मैंने ऊपर से, तो बच्चे ही उतार कर लाए हैं। और यहाँ पे जो लहसुन प्याज वगैरह है वो कट चुके हैं मेरे, और काले चने मैंने भिगो कर रखे हैं तो उन्हें भी उबलने के लिए रख देती हूँ। और छोटे मोटे जो काम हैं वो बच्चे कर ही लेते हैं, और बच्चों को काम आने भी चाहिए। वैसे मैंने अपने बच्चों को ना रोटी बनानी और झाड़ू पोछा, अपने बर्तन साफ़ करने, ये वाले काम सभी सिखा रखे हैं, और मेरे बच्चे करते भी हैं, दोनों सारे काम कर लेते हैं सिर्फ एक सब्ज़ी बनाने के सिवाय। हाँ मैगी वगैरह वो बना लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाते। तो
तो फिलहाल बच्चों को हर काम आना भी चाहिए, पता नहीं कौन सा काम कब काम आ जाए। तो बच्चों को छोटे मोटे काम लगाने चाहिए, घर के काम भी ज़रूरी हैं, पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ ही घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चे मेरे कर लेते हैं, जो भी काम बोलते हैं उन्हें कर लेते हैं वो। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे जो काले चने हैं वो बुनने के लिए रख दिए हैं मैंने, और जो मसाला है इसका तो वो तैयार कर लेते हैं। छोटी सी कुंडी में मैंने लहसुन वगैरह कूट लिए हैं, छोटी सी जो वो सिल्वर की होती है जो कुंडी, वही है छोटी वाली मेरे पास। तो उसमें लहसुन वगैरह कूट लिए हैं और चॉप करके रख लिए हैं प्याज और टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर भी चॉप कर लेते हैं, प्याज पहले ही कर लिए थे मैंने चॉप। तो यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और जब तक छोले सॉरी काले चने उबल रहे हैं तब तक अपने जो कपड़े हैं वो भी समेट लेते हैं। कपड़े वगैरह समेटने के बाद दुकान पे गई थी, और उसके बाद अब आई हूँ यहाँ पे। वैसे सब्ज़ी वगैरह बना ली है मैंने, बीच में ही सब्ज़ी बना ली थी तब कोई वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद पूरी रसोई वगैरह साफ़ कर ली है, और आटा भी गूंद कर रख लिया है, क्योंकि रोटी तो तभी बनाऊँगी जब खाएँगे, लेकिन सब्ज़ी वगैरह बना ली है क्योंकि बीच में फिर दुकान में जाना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम से नहीं काम होता फिर। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है हमारी, बस रोटी बनानी बाकी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।